से नए ब्लॉग में नए दिन के साथ आप सभी को सुप्रभात और साथ ही साथ आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अब बसंत पंचमी के बाद से मतलब हम लोगों का ना गढ़वाली उसमें बोला जाए तो हिंदी कैलेंडर में बोला जाए तो अब नया साल सब कुछ मतलब नया साल शुरू हो चुका है, सब कुछ परिवर्तित होने वाला है और खासकर लोगों की तबीयत तो जैसे मेरी हो रही है। आज मुझे भयंकर वाला जुकाम लग गया, मतलब कल से लग रहा था लेकिन आज ज़्यादा ही गला और नाक तक अंदर ही अंदर ना दर्द कर रहा है और जुकाम लगी है तो नहाने का मन कर तो नहीं रहा है लेकिन क्या करें, त्यौहार है तो मैंने गीजर में पानी लगा रखा है लेकिन पहले बच्चों को मैं नाश्ता देने वाली हूँ तो नाश्ते में भी क्या बना रखा है मैंने आज कर रखा है ना ब्रेड टोस्ट करे हुए, देखो ब्रेड टोस्ट करें उसके बाद उनकी मर्जी वो चाहे शेजवान चटनी लगा के खाएं मेयोनीज लगा के खाएं या फिर चाय में जो भी बोलते हैं। और मैं पहले पूरी पकौड़ी बनाई देती लेकिन मैंने बेसन ढूंढी तो बेसन मेरे घर में इतनी सी रह रखी है क्या करें, काफ़ी टाइम से त्यौहार नहीं थे ना तो इतना कुछ ध्यान था ही नहीं तो पहले तो बेसन लाना पड़ेगा मार्केट से तो फिर दोपहर का टाइम हो जाएगा तो मैंने सोचा कि चलो शाम को ही बनाऊंगी मैं और अपनी अपनी बात हो तो चलो मतलब कुछ ना कुछ तल के बनाना ही होता है जब त्यौहार होता है तो हमारे गढ़वाल में मतलब क्या सभी जगह होता है जब त्यौहार होता है तो तेल की चीज़ें पकती ही पकती हैं ये शुभ माना जाता है और साथ ही साथ जिसकी नहीं होगी ना हमारे आस पड़ोस में उसको देना पड़ता है तो एक दो तीन लोग हैं जिनके त्यौहार नहीं है तो उनको भी देना पड़ेगा इसलिए थोड़ा बेसन ज़्यादा चाहिए। तो फिर थोड़ी देर में जाऊँगी मैं दुकान और लेके आने वाली हूँ तो इतने से बेसन में काम तो चलेगा नहीं, ये देखो और मैं इसमें ढूंढ रही थी तो इसमें भी कुछ नहीं था, इसमें भी बस सेवई और बड़ी के पैकेट्स हैं। तो चलिए फिलहाल पहले नाश्ता करते हैं उसके बाद नहाती हूँ उसके बाद मैं दुकान जाती हूँ और बस आज का नाश्ता फिलहाल ये ब्रेड टोस्ट। तो सबसे पहले कर लेते हैं घर के छोटे मोटे काम, छोटे मोटे तो क्या है बोलने को छोटे मोटे होते हैं लेकिन इन पर 15-15 से 20 मिनट लग जाता है। तो झाड़ू और पोछा मैं दोनों कर चुकी थी और पोछा भी मारा मैंने आज, वैसे मुझे जुकाम था मन नहीं था लेकिन फिर भी चलो मैंने कहा, और बाकी चटाई वगैरह झाड़ के मैंने सारा बिछा दिया है और अब चलती हूँ मैं कपड़े लेके, एक ब्लैंकेट और कुछ दो चार कपड़े और हैं इसके साथ उनको भी धो लेते हैं। धूप काफ़ी चटक है लेकिन धूप में ही धोने वाली हूँ तो यहाँ का क्या है कि खुला है अभी, मतलब कि अभी इतने मकान है नहीं तो सारे लोग बाहर ही धोते हैं ताकि गड्ढों में पानी कम भरे हमारे, तो मैं भी यही करती हूँ। और डस्टबिन का सूखा कूड़ा फिर मैंने अंगीठी में डाल लिया, इसको मैं जलाऊंगी और इन सॉक्स को भी मैं धो लेती हूँ। चलिए अब भिगा लेते हैं कपड़े। तो कपड़े भिगा के मैं आ चुकी हूँ किचन में और किचन के ऐसे हाल हैं कि मुझे ना कल रात तो सर भारी भारी हो रहा था और जुकाम से बिल्कुल मन नहीं किया, मैंने खाना बनाया फटाफट से और कल रात के बर्तन भी सिंक में ही पड़े हैं। कभी कभी ऐसी नौबत आ जाती है और साथ में कोई ना हो तो फिर क्या करें, एक बार मेरा मन हुआ धो दूँ लेकिन उसके बाद तो मुझे थोड़ा ठंड से भी लग रही थी तो मैंने कहा बाहर में जाए कहा हम पहले आराम कर लेते हैं। तो सारे बर्तन हो गए थे मतलब कि रात के भी और सुबह के भी और अब गैस क्लीनिंग कर लेते हैं। तो जब तबीयत ख़राब होती है और भी काम बढ़ जाता है, मतलब इसमें कल रात को थोड़ा सा दूध भी गिर गया था तो पूरा दूध जम गया था नीचे इसके, वो भी साफ़ किया रगड़ रगड़ के। और आदित्य इसकी जातियाँ लेके आ गया है गैस के चूल्हे, मतलब ये भी मैंने वॉश करे थे, दूध गिर गया था इनमें। और अभी टाइम हो गया बच्चों का दूध पीने का तो इनके लिए दूध गर्म कर लेते हैं और जब तक दूध गर्म होता है तब तक मैं ये कुछ कुछ पैकेट्स में सामान बचा हुआ है तो इसको भी मैं डब्बों में कंटेनर में डाल लेती हूँ। और चीनी भी स्वाहा हो जाती है एकदम जल्दी से क्योंकि बच्चे ना मीठा बहुत खाते हैं मेरे, मतलब बहुत नहीं मतलब हफ्ते में 3-4 बार तो बनता ही बनता है, चाय तो बनती है 3 टाइम बनती है, बाकी जो बचा खुचा रहता है थोड़ा बहुत जो कंटेनर में पूरा नहीं आता वो इस बास्केट में मैं डाल देती हूँ और इसीलिए ले रखी है मैंने तो कभी कभी काम आ जाता है। तो बच्चे अभी भी पढ़ाई पे लगे हैं, मैंने किचन क्लीन भी कर लिया, गैस साफ कर ली है, दूध भी दे दिया इनको और ये नाश्ते के बाद से पढ़ाई पे लगे हैं। मैं भी ले आई हूँ अपने लिए दूध हल्दी वाला और ये बर्तन रखे हैं मैं धूप में, तो धूप में दिखाना मुझे
सही लगता है बर्तनों को, मतलब दिखानी चाहिए। तो ये लो जी, मेरे कपड़े भी धुल के आ चुके हैं छत में, और कुछ ज़्यादा नहीं थे, 2 पिलो कवर, ये एक ब्लैंकेट था बहुत बड़ा, और आदित्य का लोअर, और ये कुछ सॉक्स वगैरह थी। तो इसके बाद गई मैं दुकान, और दुकान से मैं ये जो भी किचन का सामान, जब भी जाओ ना तो कम से कम 700-800 रुपये का सामान तो आ ही जाता है, तो ये भी है कम से कम 600 रुपये का सामान आया, और इसमें सारी ज़रूरतमंद चीज़ें ही हैं। तो हमारे गढ़वाल में जब भी कुछ मतलब एक त्यौहार होता है तो खासकर स्वाला बनता है, स्वाली मतलब कि गुड़ के पानी से गूंथे हुए आटे से पूरी बनती है जो, वो तो मैं भी आज वही बनाने वाली हूँ, बच्चों को बहुत पसंद है। ये है मसूर की दाल, और दही बेसन लेके आई हूँ मैं, मतलब पकौड़े भी बनाने हैं और कढ़ी खानी है बच्चों को। तो सबसे पहले तो मैंने कंटेनर में खाली कर लिया है सब कुछ जो जो आइटम था, और अब मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी। कड़ी सिंपल वे में बनाती हूँ मैं, कुछ ज़्यादा करती नहीं हूँ, पकोड़े बच्चे उठाते नहीं है कड़ी से, मतलब खाते ही नहीं पकोड़े कड़ी में बनाओ, तो फिर मैं मेहनत करती हूँ नहीं उसकी, और पकोड़े बिल्कुल बनाने का मन नहीं है, जुखाम लगा है बहुत भयंकर। तो नॉर्मल इसमें दही बेसन सारे मसाले और पानी से फेंट दिया मैंने, और नॉर्मल अपना तेल में जीरा और सूखी मेथी लहसुन का तड़का लगा के, और तली मतलब जो भी लाल मिर्च है वो डालो। तो आज लहसुन है नहीं, सिर्फ जीरा, और ये खेत से लाई हूँ मैं मेथी के हरे पत्ते, तो इनका काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है कढ़ी में। और नॉर्मली डाल दी मैंने ऊपर से कढ़ी, छोंक मार दिया है। लाल मिर्च भी नहीं डाली मैंने आज, क्योंकि मुझे हरी मिर्च ज़्यादा पसंद है इसमें खाना, तो हरी मिर्च खाऊंगी मैं, और कढ़ी बिना मिर्च के तो मज़ा ही नहीं आता है, तो नॉर्मल उसमें ऐसे ही बनाती हूँ मैं। तो सारा दिन भर थोड़ा बहुत आराम भी करा, आज मैं सोई भी थी, आज मैंने नाटक नहीं देखा, और उसके बाद मैं दूध के लिए गई, और अब फिर से शाम हो चुकी है और मैं आ गई हूँ अपने किचन में। और जो कि मैंने कहा था कि मैं मीठी पूरी बनाने वाली हूँ, क्योंकि फीकी पूरी बनाओ ना तो फीकी पूरी के साथ स्पेशल कुछ ना कुछ मतलब वैसी सब्जी है तो आलू छोले इस टाइप से चाहिए होता है, तो मैं मेरी हिम्मत है नहीं इतनी बनाने की, तो मैंने नॉर्मल गुड़ डाला और गुड़ की पूरियाँ बनाने वाली हूँ। और मेरा भी मन कर रहा है मीठा खाने का, मेरा मुंह का टेस्ट ही अजीब हो रखा है। तो सिर्फ एक आलू, बड़ा सा आलू है, एक प्याज, सिर्फ एक प्याज, और ये डाल लिया मैंने सारा मसाले के साथ, बेसन और थोड़ा सा मेथी पत्ता, और ये गूंथ लिया मैंने गुड़ का आटा, तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बनाऊंगी, मेरी इतनी हिम्मत है भी नहीं, और बाहर हो रखा है अभी उजाला, तो फटाफट से बना देते हैं। तो तेल में काफ़ी कम यूज़ करती हूँ, मतलब जितना ज़रूरी होगा उतना ही डालती हूँ, और ये लास्ट की मेरी पकौड़ियाँ बननी थी तो बस इतना ही तेल, मतलब कि 1-2-3 सब्जियों में काम आ जाए उतना ही, ज़्यादा तेल में डालना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि उस तेल से बनी हुई सब्ज़ी फिर मुझे टेस्ट आता ही नहीं, अच्छा नहीं लगता है, और हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है पका हुआ तेल, अगर बार बार आप पका के यूज़ करो इसलिए। तो हमारी स्वाली पकौड़ी आ चुकी हैं, और आज के दिन मोर संगाड़ की पूजा भी की जाती है, पाछी का मोल के साथ जौ लगाया जाता है, लेकिन यहाँ जौ है नहीं तो कुछ करा नहीं मैंने, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, और आदित्य भी खा के लमलेट हो चुका है, कह रहा है कि मुझे पढ़ाई के लिए मत बोला और मुझे सोने दो। मैंने कहा सो जा, लेकिन ये सोया एक्चुअल में 11 बजे ही सोना होता है इसको, और इसको देख के ना मेरी भी आँखें बंद हो रही है, लेकिन क्या करें, हम लेडीज़ों का काम अभी ख़त्म कहाँ होता है, अभी बर्तन भी हैं चाय के और खाने के बर्तन भी होंगे, और मैं घुस चुकी हूँ फिर से किचन में। तो मैं अब बना रही हूँ सब्ज़ी, और सब्ज़ी में मतलब अंडा ही बन रहा है, बच्चों की फरमाइश थी, मेरा तो कुछ खाने का मन नहीं था तो अंडा बन रहा है। तो चलिए आज की दिनचर्या यहीं पे समाप्त होती है, और होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, और ये व्लॉग थोड़ा लेट भी हो गया तो सो सॉरी। ओके फिर, टाटा बाय, गुड नाइट।